हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बिग ब्लूज। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कनाडा। सो ये वीडियो में मैं जो है वो मेरी जो कॉलेज है जॉर्जियन कॉलेज, उसको सेंटर में रखते हुए यहाँ पर सारी डिटेल्स के बारे में बात करूँगा। सो ये जो सारी होगी वो फंडामेंटल डिटेल्स होंगी और ये ऑलमोस्ट हर कॉलेज के लिए सिमिलर ही होती है। तो यहाँ पर जो इक्का दुक्का डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर, वो अगर आपको चेक करने हो तो आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट जो है उस पर जाके चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो सारी फंडामेंटल डिटेल्स है उसके बारे में तो मैं ये वीडियो में बात कर ही लूँगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कैनेडा, तो ये वीडियो जो है वो एंड तक पूरा देखते रहो और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। कैनेडा में जो बिजनेस है वो काफ़ी पॉपुलर है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है बिजनेसेस को। यहाँ पर जो टैक्स है और वो सब चीज़ें कम है यहाँ पर बिजनेस करने वालों के लिए। तो इसी की वजह से ये जो कोर्स है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट या फिर इसी तरह के काफ़ी अलग अलग जो बिजनेस के कोर्सेज है वो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है कैनेडा में। और अगर आपको ये ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में एनरोल करना है तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो अगर आप ये कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो आपके पास पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो कोर्स है वो आप 12th के बाद नहीं कर सकते हो। आपको एक डिग्री होनी चाहिए आपके पास ये कोर्स करने के लिए, या फिर जो 12th के बाद जो एडवांस डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए अगर आप ये कोर्स जो है वो परस्यू करना चाहते हो। तो मेरी बात करूँ तो मैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हूँ और उसके मतलब रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो उसमें मैंने सारी की सारी डिटेल जो शेयर की है असाइनमेंट से लेकर सारी चीज़ें। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वो वीडियो को चेकआउट करना, उसकी जो लिंक है वो मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि ये वाले कोर्स में तो आप 12th के बाद एनरोल नहीं कर सकते हो, तो ये एक चीज़ थी जो आपको माइंड में रखनी चाहिए अगर आप परस्यू करना चाहते हो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कैनेडा। तो अगर आप 12th में हो तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज हो सकते हैं बिजनेस के जो आपको परस्यू करने चाहिए, और उनके ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो काफ़ी सारे दोस्त हैं वो भी यहाँ पर जो बिज़नेस मैनेजमेंट कर रहे हैं 12th के बाद, तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो यहाँ पर मैं लेके आऊँगा। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की, अब बात करते हैं यहाँ पर इंटेक्स की। तो यहाँ पर जो जॉर्जियन कॉलेज है वो ये कोर्स सारे के सारे इंटेक्स में ऑफर करती है, जो कि फॉल, समर और विंटर तीनों इंटेक में। और अगर आप कोई और कॉलेज में जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी चांसेस है कि ये जो कोर्स है वो आपको हर एक इंटेक में ऑफ़र किया जाएगा। और अगर फिर भी आप अनश्योर हो तो अपनी जो कॉलेज है स्पेसिफिक उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर जस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो आपका कॉलेज का नाम, ये कोर्स और उसके पीछे इंटेक्स पर, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोर्स है वो कौन से इंटेक्स में ऑफ़र किया जाता है आपकी कॉलेज में। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, जानता हूँ कि ये कोर्स जो है वो पोस्ट सेकेंडरी है, फिर भी यहाँ पर ये कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 साल की है। तो ये जो है वो 1 साल का सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर ये कोर्स आपको पूरे 2 साल तक करना होगा। तो जनरली अगर आप पोस्ट सेकेंडरी के बाद एडवांस डिप्लोमा लेते हो तो वो सारे 1-1 साल के होते हैं, बट ये जो कोर्स है वो 2 साल का है। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने सोचा आपको जाननी चाहिए तो बता दूँ। अब फाइनली बात करते हैं कोर्स के आउटलाइन के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 21 कोर्सेज है और सारे के सारे आपके जो मेन कोर्स है उसके रिलेटेड ही होने वाला है। तो यहाँ पर ना ही आपको कोई कम्युनिकेशन कोर्स होता है, ना ही कोई जनरल एजुकेशन कोर्स होता है जैसा कि 12th के बाद डिप्लोमा लेने पे होता है यहाँ पर। तो वो 4-5 कोर्सेज तो वो कम्युनिकेशन और जनरल एजुकेशन के ही होते हैं उनमें, बट ये कोर्स में आपको ना ही कोई कम्युनिकेशन ना ही कोई जनरल एजुकेशन का कोर्स होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये कोर्स के रिलेटेड एक फ़ाइनल जो है वो प्रोजेक्ट होगा, जो कि शायद आपको करना होगा और वो काफ़ी इंपॉर्टेंस वाला भी होगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन और जनरल एजुकेशन है उसके जगह पर यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और टोटल जो कोर्सेज है वो है 21। तो अगर आपको आउटलाइन चेक करनी है तो उसकी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है और कौन कौन से सेमेस्टर में है वो, तो उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। और अब बात करते हैं आखिर में पासिंग क्राइटेरिया की। तो अगर आप 12th के बाद करते हो तो आप जानते ही होंगे कि आपको जो ओवरऑल सेमेस्टर की एवरेज होती है वो 60 से अबव मेंटेन करनी होती है, और हर सब्जेक्ट में आपको 50 से ऊपर परसेंटेज लाने पड़ते हैं। जो कि ये कोर्स पोस्ट सेकेंडरी है तो आपको ओवरऑल एवरेज जो है वो 60 की मेंटेन तो करनी ही होगी हर सेम में, बट इसके अलावा भी आपको जो है वो हर सब्जेक्ट में 60 से ऊपर लाने होंगे। तो यहाँ पर 12th की तरह आपको 50 से ऊपर, मतलब 12th के बाद अगर डिप्लोमा कर रहे हो तो 50 से ऊपर लाने पड़ते हैं, बट उसके तरह यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट्स में 60 से ऊपर जो है वो परसेंटेज लानी होगी पास होने के लिए, और ये हर सेम के लिए अप्लाई होता है। तो ये एक चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए अगर आप ये कोर्स परस्यू करना चाहते हो, तो मतलब आपको थोड़ी अच्छी खासी पढ़ाई करनी होगी। तो यही थी सारी डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए अगर आप परस्यू करना चाहते हो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट इन कैनेडा। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले में। तब तक के लिए बाय बाय।